सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों पर निशाना साधा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस शुरू हो गई। अब कंगना ने सुशांत के निधन से जुड़ी एक और बड़ी बात बताई है। कंगना ने एक बातचीत में बताया, सुशांत की मौत के बाद उनके एक कॉमन फ्रेंड कमल जैन से उन्होंने सुशांत के निधन को लेकर बात की। कंगना ने कहा, कमल जी ने मुझे बताया कि पिछले सोमवार को उनकी सुशांत से बात हुई थी और काफी डिस्टर्ब थे। उन्होंने बताया कि सुशांत ने इससे पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी। सुशांत ने कमल जी से कहा था कि मेरे साथ कोई बड़ी फिल्म बनाओ। मैंने छिछोरे दी, इससे पहले भी कई हिट फिल्में दी, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है। मेरे पास उस तरह का काम नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। कमल जी ने उनसे कहा था कि लॉकडाउन के बाद वह उनके साथ काम करेंगे। दोनों गुरुवार को मिलने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये सब हो गया। इससे पता चलता है कि जिस तरह लोगों ने उन्हें साइड कर रखा था, वह काफी परेशान थे। कंगना का कहना है कि पुलिस ने छानबीन में अगर उनसे बात की जाए तो वो खुलासे करने को भी तैयार है। कंगना ने कहा कि कई लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री में उनके खिलाफ गैंग बनाया हुआ था। ये बात वह बखूबी जानती हैं और ये बात सभी लोगों ने देखी भी थी। अगर पूछताछ की जाएगी तो मैं खुलकर बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मीडिया में इसे लेकर काफी सबूत है। हर कोई जानता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ गैंग बनाया हुआ था। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।